डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी 11th क्लास और पेज टू पेज स्टडी कर रहे हैं, लाइन टू लाइन स्टडी कर रहे हैं और सिर्फ एनसीईआरटी बुक स्टडी कर रहे हैं, इसलिए क्लास बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्लास आपको यहीं से मिलेंगे और इसके अलावा बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन वो नहीं बताएंगे, बताएंगे सिर्फ एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की बातें अगर रीड करनी है ना तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। टॉपिक आज का है पेज नंबर 136, ठीक है। पेज नंबर 136 का जो टॉपिक है वह है साइटोस्केलेटन। मैंने कहा था कि प्रश्न कोई भी छोटा नहीं होता है, टॉपिक कोई भी छोटा नहीं होता है, क्योंकि छोटों से ही तो बड़े बनते हैं। तो साइटोस्केलेटन क्या होता है? एन एलोबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन। मतलब क्या है? फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। अगर फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, उस फिलामेंटस प्रोटीन नेसियस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बच्चा? साइटोस्केलेटन कहते हैं। कोशिका का कंकाल कहते हैं भैया। साइटोस्केलेटन कैसा होता है? फिलामेंटस होता है। कैसा होता है? प्रोटीनेसियस होता है। फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका जो नेटवर्क है वह कहलाता है साइटोस्केलेटन। सॉरी, तो साइटोस्केलेटन आप समझ गए होंगे कौन कौन सी चीजें जो होती हैं वह इस साइटोस्केलेटन में, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में स्थित होते हैं, जो मिलकर के साइटोस्केलेटन बनाते हैं। तो टनाटन आप ध्यान में रखें कि माइक्रोट्यूबल्स जो होती हैं, एक तो ये नंबर एक माइक्रोट्यूबल्स, ठीक है ना, नंबर दो माइक्रोफिलामेंट्स और नंबर तीन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। क्या क्या? माइक्रोट्यूबल्स ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। माइक्रोट्यूबल्स से क्वेश्चंस यहां से बनता है, ठीक है भाई। माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चा? साइटोस्केलेटन बनाते हैं। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, कहां पर पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में ये तीन फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर कौन कौन से? माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। यह सब मिलकर के कलेक्टिवली रेफर्ड एज टू एज साइटोस्केलेटन, कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज साइटोस्केलेटन। इनको हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं बच्चा? साइटोस्केलेटन कहते हैं। इतनी सी बात अगर समझ में आ गई है ना, तो थोड़ी सी और मुलाकात कर लेते हैं, आपको बता देते हैं भैया क्या खास बात है। पेज नंबर नेक्स्ट पे इसका फंक्शन, साइटोस्केलेटन जो है उसका फंक्शन क्या है? साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या है, बात तो आती है ना दिमाग में। एनसीईआरटी कहते सिर्फ मुझे पढ़ो। एनसीईआरटी क्या कहती है? सिर्फ मुझे पढ़ो, मैं आपको अधिकारी बना दूंगी। सिर्फ मुझे पढ़िए, मैं आपको इंजीनियर बना दूंगी, मैं आपको डॉक्टर्स बना दूंगी। कौन कहता है? एनसीईआरटी की बुक्स कहती है। हम पता नहीं कहां लगे रहते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट का कार्य करता है कौन? साइटोस्केलेटन। मोटिलिटी का कार्य करता है कौन? साइटोस्केलेटन। एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, सेल की शेप जो है वह मेंटेन रहती है, किसके कारण रहती है भैया? साइटोस्केलेटन के कारण रहती है। साइटोस्केलेटन किन किन से मिलकर बना है? माइक्रोट्यूबल से, माइक्रोफिलामेंट से, इंटरमीडिएट फिलामेंट से। ध्यान में रखना, माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट से तीनों सामूहिक रूप से साइटोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। इनको सामूहिक रूप से अपन क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और फंक्शन क्या हो गया? मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, मोटिलिटी प्रदान करती है, मेंटेनेंस ऑफ द सेल ऑफ द सेल, सेल का जो शेप को मेंटेन करने का फंक्शन भी ये
करती हैं। और देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सीलिया एंड फ्लेजेला। ठीक है, सिंगुलर क्या होता है इनका, सीलियम एंड फ्लेजेला, सीलियम एंड फ्लेजेला इनका सिंगुलर होता है। तो अब पहली बात इसमें संबंधित आपको क्या ध्यान में रखना है कि सीलिया और फ्लेजेलम जो है ना, उनमें क्या है कि कौन सी लंबी है कौन सी छोटी है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछ लेते हैं। तो ये कैसे याद करेंगे भैया, सीलिया क्या है, सीलिया और फ्लेजेलम दोनों की स्पेलिंग देखिए आप, किसकी स्पेलिंग बड़ी है, फ्लेजेला की बड़ी है ना स्पेलिंग, तो इसका मतलब क्या है, फ्लेजेलम जो होता है वह लंबी होती है, वो लॉन्ग होती है किसकी तुलना में, कंपेरेटिवली सीलियम की तुलना में या सीलिया की तुलना में, फ्लेजेलम जो होती है लंबी होती है और इनकी संख्या में कम होती है, जबकि सीलिया जो होते हैं वह अधिक होते हैं और इनकी लंबाई जो होती है ना छोटी होती है, लंबाई कम होती है, इनका ध्यान में रखना। तो दोनों क्या है, हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल, ये ध्यान में रखना, सीलिया एंड फ्लेजेला हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल, ये सब लोग जानते हैं, इसमें कहीं से प्रश्न नहीं बन रहा है। लेकिन ये देखिए सीलिया, पहले सीलिया के बारे में बात कर रहे हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर करता है, सीलिया क्या है, स्मॉल स्ट्रक्चर है, किसकी तुलना में, फ्लेजेलम की तुलना में, फ्लेजेला की तुलना में, वर्क्स लाइक ओर्स, ओर्स के समान यह कार्य करती है, मूवमेंट ऑफ द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड, ये सेल का मूवमेंट भी करवाती है, जैसे पैरामीशियम वगैरह जो है उसमें सीलियम पाई जाती है, सीलियम जो होती है ना, जैसे मान लो ये पैरामीशियम है, ठीक है ना, स्लीपर एनिमल कुलेट इसको अपन कहते हैं, उस पैरामीशियम जो होता है इसकी पूरी बॉडी जो है वो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसके द्वारा कवर रहती है, इसको हम क्या कहते हैं, सीलियम। और इसलिए पैरामीशियम जो होता है वो सीलिएटा पे आता है, ये आपको पता है। तो सीलिया क्या फंक्शन करता है, मूवमेंट ऑफ द सेल, और सेल या तो सेल का मूवमेंट करता है या सेल के चारों तरफ जो लिक्विड जो होता है ना उसका मूवमेंट करता है या सराउंडिंग फ्लूइड, ये ध्यान में रखेंगे। फ्लेजेला नेक्स्ट क्या है, फ्लेजेला है, फ्लेजेला क्या है, कंपेरेटिवली लॉन्गर, कंपेरेटिवली क्या है, लॉन्गर है, लंबी होती है, कंपेरेटिवली किसकी कंपेरिजन में, सीलियम की या सीलिया की कंपेरिजन में ये लंबी होती है, और इनके नंबर जो होते हैं ना ये कम होते हैं, संख्यात्मक रूप से ये संख्या में कम होती है, कंपेरेटिवली लॉन्गर एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, और मुख्यतः ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, इनके कारण ही सेल मूवमेंट होता है, ठीक है, इसके कारण ही क्या होता है, सेल मूवमेंट होता है, यूग्लिना वगैरह जो होता है उनमें फ्लेजेलम जो होता है उसी के कारण क्या होती है बच्चा, गति होती है। तो ये ध्यान में रखेंगे सेल मूवमेंट के लिए स्पेशली कौन सा है, फ्लेजेलम, ये ध्यान में रखेंगे। पैरामीशियम में सीलिया जो होता है उसके द्वारा भी मूवमेंट होता है, और मूवमेंट ऑफ सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड, ये ध्यान में रखेंगे सीलियम एंड फ्लेजेलम के बारे में। नेक्स्ट देखिए क्या खास बता रखी है, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उनमें और यूकैरियोटिक सेल जो होती है उनमें जो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होती है, सीलियम और फ्लेजेलम दोनों ही क्या होती है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होती है, क्या डिफरेंस होता है, ये आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं बताया क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में, ये तो आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं बता रखा है, इसलिए प्रश्न आपकी उसमें आने वाला नहीं है। फिर भी आप ध्यान में रखें कि प्रोकैरियोटिक फ्लेजेलम जो होते हैं उनमें 9+0 स्ट्रक्चर पाया जाता है, और यूकैरियोटिक फ्लेजेला जो होती है उसमें 9+2 स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये बात में आगे रीड करेंगे अपन, 9+0 और 9+2, ये बात ध्यान में रखेंगे। अब देखिए फैक्ट्स क्या है इससे संबंधित, डायग्राम से रीड करेंगे, पहले देख लीजिए एनसीईआरटी में क्या क्या बातें बता रखी हैं सीलियम एंड फ्लेजेलम के बारे में, क्या क्या बातें बता रखी है, देखिए कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ये कवर्ड होती है, पूछ ले इस बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर किसी को पता नहीं होता कि किसके द्वारा कवर्ड होंगी भाई, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ये कवर्ड होती है, सीलियम एंड फ्लेजेलम जो है वो किसके द्वारा कवर्ड होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, इसका कोर जो होता है वह क्या कहलाता है, एक्सोनीम कहलाता है, और क्या कहलाता है, एक्सोनीम कहलाता है, किसका, सीलियम और फ्लेजेलम दोनों का, स्ट्रक्चर लगभग इनका समान होता है लेकिन प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में ये डिफरेंट इनका स्ट्रक्चर होता है। एक्सोनीम क्या है, एक्सोनीम किस प्रकार से बनता है भाई, फ्लेजेलम होती है इस प्रकार से, ये जो है इस प्रकार एक्सोनीम होता है, इसमें बीच में भी सिस्टम पाया जाता है, ये इसका सिस्टम होता है, इसको काटेंगे ना तो इसका जो ये तो कहलाएगा कोर, ठीक है, ये सेंट्रल कहलाएगा, ये सेंटर कहलाएगा, ये कोर कहलाएगा, सी सी सी,
मतलब सेंटर जो है, ये तो सेंटर, चलो ये सेंटर हो गया, सेंटर बीच में, ठीक है, ये तो सेंट्रल, इसमें ट्यूबल्स पाए जाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, इसमें कोर, कोर की ट्यूबल्स है, पेरिफेरल ट्यूबल्स कहलाएंगे, ये देखना। तो एक्सोनिम जो होता है वह है पजेज माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोट्यूबल्स से यह बना होता है, रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, ठीक है, इसमें माइक्रोट्यूबल्स पाई जाती है खूब सारी, ठीक है, ठीक है ना। और ये माइक्रोट्यूबल एक्सोनम यूजुअली हैज नाइन डबलेट्स, नाइन डबलेट्स का बना होता है, ऑफ रेडिएटिंग रेडियली अरेंज्ड, नाइन डबलेट्स, नौ डबलेट्स पाए जाते हैं, दिखाएंगे आपको डायग्राम में, ध्यान में रखेंगे पहले। और पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स, ठीक है ना, पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स जो होते हैं, दो प्रकार के ट्यूबल्स होते हैं, एक तो पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स और दूसरी सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स। पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स जो होती है वो नाइन डबलेट्स के रूप में अरेंज होती है, ठीक है, और सेंट्रली जो माइक्रोट्यूबल्स हैं वह एक पेयर ही पाया जाता है इसका, सेंट्रली माइक्रोट्यूबल्स का एक पेयर पाया जाता है, ठीक है, लोकेटेड एंड ए पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूबल्स, सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूबल्स जो होती हैं उनका एक सिंगल, एक पेयर कहां पर पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है, यहां पर सेंटर में, और दूसरा पेरिफेरल, इसको कहेंगे पेरिफेरल रूप से ये व्यवस्थित होते हैं, माइक्रो पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स पाए जाते हैं, सेंट्रली माइक्रोट्यूबल्स पाए जाती है, अपन इसको इस प्रकार से रीड कर सकते हैं कि पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स पाए जाते हैं और सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स पाए जाती है। पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स जो होती है ना वो डबलेट्स के रूप में होती है, और जो सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स होती है, सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स वो किसके रूप में, एक पेयर के रूप में पाई जाती है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट खास बात देखिए, फिर अपन डायग्राम में देखेंगे, सच 100 पेज नंबर 137, इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है ना उसको क्या कहेंगे भाई, 9+2 अरेंजमेंट कहेंगे, 9+2 एरे कहेंगे, कि सच ए अरेंजमेंट कॉल्ड 9+2 एरे, ठीक है, सेंट्रल ट्यूबल्स कनेक्टेड बाय ब्रिज, ये भी खास बात है, सेंट्रल ट्यूबल्स जो होते हैं ना ब्रिज के द्वारा कनेक्ट होते हैं, एनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शेथ, और इनमें सेंट्रल शेथ के द्वारा एनक्लोज्ड होती हैं, सेंट्रल शेथ इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूबल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट्स, ठीक है, सेंट्रल शेथ जो होती है ना वो पेरिफेरल डबलेट्स जो होते हैं उनके द्वारा उनसे जुड़ी हुई रहती है, क्या कह रहा है, सेंट्रल शेथ इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूबल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट्स बाय ए रेडियल स्पोक, किसके द्वारा, रेडियल स्पोक के द्वारा, सेंट्रल शेथ जो होती है वो पेरिफेरल डबलेट्स के साथ जुड़ी होती हैं, लिंकर्स क्या होते हैं, और देयर आर नाइन रेडियल स्पोक, और इस प्रकार से इसमें नाइन रेडियल स्पोक पाए जाते हैं, पूछ ले भैया रेडियल स्पोक्स कितने पाए जाते हैं, नाइन रेडियल स्पोक पाए जाते हैं, डबलेट्स कितने पाए जाते हैं, पेरिफेरल जो माइक्रोट्यूबल्स होती है वो नाइन डबलेट्स के रूप में होती है, सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स कितनी होती है, कितने पेयर में पाए जाते हैं, ए पेयर में, दो पेयर बनाती है, एक पेयर में ये पाई जाती है, ठीक है ना, सेंट्रल ट्यूबल्स होती है। लिंकर्स क्या है, द पेरिफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स, पेरिफेरल डबलेट्स, जो पेरिफेरल डबलेट्स जो होते हैं वो किसके द्वारा इंटरकनेक्ट रहते हैं, लिंकर्स के द्वारा, किसके द्वारा, लिंकर्स के द्वारा कनेक्ट रहते हैं। अब देखिए डायग्राम, ये क्या है, सीलिया एंड फ्लेजेलम का एक डायग्राम है, जिसको अपन वैसे कह सकते हैं कि एक तरह से आरेखीय निरूपण है, इसको अपन वैसे बनाया है, एक तरह से मॉडल बनाया है इसके स्ट्रक्चर का। तो देखिए सबसे बाहर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सबसे बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके ये जो डबलेट्स है देखो, डबल डबल, ये डबल डबल हो रहे हैं, ये डबल है, 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 ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स जो होती हैं इनको क्या कहते हैं भैया, पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स, पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स, और किस रूप में पाए जाती हैं, ये डबलेट्स के रूप में पाए जाते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 डबलेट्स के रूप में पाई जाती है, बात समझ में आ गई। देखिए और जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स है वह इंटर डबलेट्स ब्रिज, दोनों के बीच में इंटर डबलेट्स ब्रिज पाया जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, लिंकर्स कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा, लिंकर्स, क्या कहते हैं, लिंकर्स कहते हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स डबलेट्स जो होते हैं वो आपस में,
जिस स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़े होते हैं इसको अपन क्या कहेंगे, लिंकर्स कहेंगे। और सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स, ये बीच में जो है वो क्या है, सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स हैं। और ये सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स जो होते हैं ना वो किसके द्वारा, ये तो कहीं ब्रिज के द्वारा जुड़ी होती है, ये ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज के द्वारा ये जुड़े होते हैं। ये क्या कहलाएगा भाई, सेंट्रल शेल्फ, ये क्या कहलाता है, सेंट्रल शेल्फ कहलाता है। और सेंट्रल ये जो डबलेट्स होते हैं पेरिफेरल डबलेट्स, ये किसके द्वारा, किसके द्वारा ये जुड़े होते हैं, सेंट्रल शेल्फ के द्वारा। ये तो सेंट्रल शेल्फ है, इसके द्वारा क्या जुड़े हुए हैं भाई, पेरिफेरल डबलेट्स जुड़े हुए हैं, कोई भी यूनिट जो है उसकी इसके साथ जुड़ी हुई है। और इसको अपन क्या कहते हैं, किस स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ी होती है, रेडियल स्पोक के द्वारा। ये क्या कहलाता है, रेडियल स्पोक कहलाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि पेरिफेरल ट्यूबल्स जो होती हैं वो डबलेट्स के रूप में पाई जाती है, सेंट्रल ट्यूबल्स जो होती है वो एक पेयर के रूप में पाई जाती है। सेंट्रल ट्यूबल्स जो होती है उसके ऊपर जो शेथ होती है, आवरण होता है, उसको सेंट्रल शेथ कहते हैं। सेंट्रल शेथ से पेरिफेरल डबलेट्स जो होती हैं जिस स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़े होते हैं उसको अपन रेडियल स्पोक कहते हैं। 9 रेडियल स्पोक पाए जाते हैं, 9 रेडियल स्पोक पाए जाते हैं। और पेरिफेरल जो डबलेट जो होते हैं वो आपस में भी जुड़े होते हैं, तो जिस स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़े होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लिंकर्स कहते हैं। ये लिंकर्स हैं, क्या कहते हैं भाई, ये लिंकर्स हैं। तो ये छोटी सी खास बात थी किसमें, जो एनसीईआरटी की बुक में बता रखी है, वैसे बहुत सारी बातें हैं सीलिया एंड फ्लैजेला के बारे में, लेकिन ये खास बातें जो सिर्फ एनसीईआरटी बुक में है आपके सामने है। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।